अच्छा है, बहुत सुलभ है, शक्ति भरित है। आप जो लेते हैं आप समझ के लेना है। इसका उपाय हम विस्तार के रूप में और एक बार बताएंगे और एक दिन। जितना शुभ है, अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, शांति, क्षमा, ज्ञान, दान, तप, तितिक्षा, ये सब शुभ है। इसलिए आप अंदर प्राण लेने के समय में शुभ गुणों का लेना चाहिए, शुभ गुणों का आकार और कल्पना से लेना चाहिए। बाहर जो निश्वास करते हैं वो सब अशुभों का निकार निराकरण करना चाहिए। इसको शुभाशुभ व्यापार करते हैं। आप आज से शुरू कीजिए, 10 दिन में देख लीजिए कैसा आपका दिल लगेगा। बहुत कुछ विषय की जानकारी पढ़ाई के बिना आपको मिल सकता है। शुभाशुभ व्यापार के लिए प्रश्वास का, निश्वास का प्रयोजन और प्रयोग शास्त्र ने बता दिया। जो अंदर जाता है वो तो शुभ, बाहर जो जाता है अशुभ। ऐसे रखो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, बहुत सुलभ है। दूसरा कुछ हाँ वो बोल देंगे तो वो बहुत दूर है ना हमसे। ये तो बहुत सुलभ है। शुभाशुभ व्यापार, स्वापर व्यापार, हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए हम यहाँ लेते हैं और दूसरे के कल्याण के लिए हम निश्वास देते हैं। ये तो स्वपर व्यापार बोलते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए, ये दुनिया में रहने के लिए जो शक्ति है, ऐहिक शक्ति, वो सब इससे लेते हैं। और आमुष्मिक शक्ति, हम ऊपर जाने के लिए, मोक्ष के लिए जो शक्ति चाहिए, वो निवृत्ति, वो निश्वास से लेते हैं। कायात्म शक्ति, जो हम ले रहे हैं वो शक्ति हमारा आत्मा के लिए और हमारा शरीर व्यापार के लिए जो निश्वास है उसके लिए। और बहुत अच्छा प्रकार है पूर्य पूरित शक्ति व्यापार। हम जो शक्ति लेते हैं वो हमारी शक्ति है। हम बाहर से प्रापंचिक शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं ना, वो वैश्विक शक्ति को हम लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूरित शक्ति। और फिर क्या करना है, एक आदमी से दूध लेते हैं, बर्तन देते हैं, वो आदमी दूध देता है, फिर वो दूध को हमारे बर्तन में डाल देते हैं, फिर दूध चाहिए तो वो खाली करके फिर दे देंगे ना। ऐसा ही पूरी शक्ति को हम लेते हैं, जो पूर्ण हो गया वो शक्ति का बर्तन को फिर बाहर भेज देते हैं वो पूर्ण होने के लिए। वो तो पूरी शक्ति है। शक्ति को लेते हैं, वो शक्ति का बर्तन तो श्वास है, वो श्वास को बाहर भेज देते हैं जिसके लिए, और फिर शक्ति इसको लेके फिर होने के लिए। इसलिए जो अंतर जाता है वो तो पूरित है और जो बाहर जाता है वो तो पूरी है। इसके बाद इसका पूर्ण होना चाहिए, फिर इसको वो पूरी शक्ति को लेना चाहिए। इसलिए लेने के लिए हम देते हैं, जो दिए हैं वो लेने के बाद हम ले लेते हैं। ये तो पूर्य पूर्य और पूरित शक्ति व्यापार बोलते हैं उसको। ये तो पंच प्राणायाम का बहुत बड़ा एक चीज शास्त्र में बता दिया। और ध्यान के बारे में एक बोलना चाहते हैं। आप सब जानते हैं योग शास्त्र का प्रारंभ ही यम नियम है, अहिंसा और अस्थेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। बहुत कल्याण गुणों का प्रकल्पना वहाँ उन्हें दे दी है। और शास्त्र में एक दोष आता है, तार्किक दोष है, इसको बोलते हैं तर्कशास्त्र में अन्योन्याश्रय दोष। यदि एक आदमी के पास ध्यान नहीं है तो, ध्यान शक्ति नहीं है तो वो आदमी को अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का अभ्यास नहीं होगा। ध्यान के बिना यम नियम नहीं होगा, परंतु यम नियम के बिना ध्यान को वो नहीं चल सकता है। ये तो अन्य अन्य आश्रय है। अरे तुम ध्यान नहीं करते हो तो अहिंसा का गुण नहीं आएगा। यदि अहिंसा गुण तेरे ऊपर नहीं है तो तेरे अंदर तुमको ध्यान नहीं मिलेगा। ध्यान के बिना अहिंसा नहीं, अहिंसा के बिना ध्यान नहीं मिल सकता है, कैसे उसको समझ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ध्यान में दो प्रकार का ज्ञान है। यह ज्ञान तो प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा तो प्रतिष्ठित ध्यान बोलते हैं। जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब करने के बाद जिसका दिल बहुत प्रतिष्ठित है उसका ध्यान तो वहां आता है, वो तो प्रतिष्ठित ध्यान। और प्रारंभ में कुछ ना कुछ ध्यान करके जो करता है वो तो प्रारंभिक ज्ञान, वो भी ज्ञान है, ये भी ध्यान है। और ये ध्यान तो प्रारंभिक, बहुत छोटा सा ज्ञान है। आपको पैसा चाहिए तो बैंक से पैसा चाहिए तो बैंक को कुछ पैसा देना पड़ेगा। अरे क्या वो पैसा, हम तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा पूछने के लिए वहाँ गए, वो भी पूछ रहे मैंने, इसका अर्थ क्या है। बहुत पैसा आपको चाहिए, वो पैसा लेने के लिए कुछ पैसा देना चाहिए। इसलिए वो मूल ध्यान और वो विशिष्ट प्रतिष्ठित ध्यान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ध्यान की शक्ति आवश्यक है। वो ध्यान आपको मिल सकता है आचार्य से, आहार से, सत अनुष्ठान से और सत्संग से आपको मिल सकता है। जो प्रारंभिक ध्यान के लिए चाहिए वो हम ले सकते हैं, वो ध्यान से ही करना चाहिए। ये ध्यान और वो ध्यान का क्या क्या फर्क है, क्या फायदा है, इसमें शास्त्र में बोलते हैं चार व्यत्यास है, इसमें चार व्यावृत्ति है, चार भेद है। ये तो यत्र सिद्ध है,
वो तो स्वतः सिद्ध है, वो ध्यान है। आप तो जान सकते हैं कि वो प्रारंभिक ज्ञान है, प्रतिष्ठित ज्ञान आप जान सकते हैं, वो ध्यान आपका ध्यान से ही जान सकते हैं। यदि आप यत्न करना पड़ेगा, वो तो प्रारंभिक है, यत्न के बिना जब चाहिए वो खुद आ जाएगा, वो तो यत्न सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है, वो तो वो ध्यान। ये तो विच्छिन्न है, ये तो दीर्घ है, देखिए प्रारंभिक और प्रतिष्ठित, ये तो यत्न सिद्ध, वो तो स्वतः सिद्ध, ये तो विच्छिन्न, विच्छिन्न मैंने ऐसा दीर्घ नहीं होगा, कभी कभी आएगा, कभी कभी छोड़ के चल जाएगा, ये तो विच्छिन्न है, और वो तो विच्छिन्न नहीं है, अविच्छिन्न दीर्घ है। इसमें केवल इच्छा मात्र होगा, उसमें तो संकल्प होगा, जिसमें इच्छा मात्र रहेगी उसको हम प्रारंभिक बोलते हैं, जिसमें संकल्प है केवल इच्छा नहीं है, केवल इच्छा नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यदि एक पिस्टल है उसको इच्छा बोलते हैं, इसमें इसके अंदर गोली भी है उसको संकल्प बोलेंगे। और इसमें अभीप्सा, इसमें क्या मिलेगा, अभीप्सा मिलेगा, अभीप्सा मैंने हम चाहते हैं उसको, चाहते हैं उसको, देखने जाते हैं, ऐसा हमारी त्वरा मिलेगा, लेकिन वो ध्यान में अनुभूति मिलेगी भगवान के पास, सिर्फ इच्छा मात्र बढ़ेगी प्रारंभ ध्यान में, भगवान की अनुभूति बढ़ेगी वो ध्यान में। ये चार भेद नहीं दी जाए, इसको भेद चतुष्टय बोलते हैं, प्रारंभिक ध्यान, प्रतिष्ठित ध्यान, भेद चतुष्टय बोलते हैं। इसमें भी पांच प्रकार का ध्यान हम कर सकते हैं, इसमें भी पांच प्रकार का ध्यान कर सकते हैं, मंडल ध्यान, विग्रह ध्यान, गुणाकर ध्यान, मान्य ध्यान, शून्य ध्यान। मंडल मैंने रश्मि का मंडल, द्युति शब्द, ये सब मंडल का ध्यान, ये सब दीप्ति को अर्चन करना, ध्यान करना, ये सब प्रकाश को करना, एक वर्ण को ध्यान करना, ये सब तो मंडल। और विग्रह का ध्यान, भगवान का रूप का ध्यान करना, वो तो एक विग्रह। गुणाकर सत्य, धर्म, शांति, सौभाग्य, क्षमा, ये सब गुणों का परिकल्पन, इसको हम गुणाकर बोलते हैं, जो हमारा साक्षात अनुभूति में जिसको हम परिचय से देख लिए और जिसके पास हम मिले थे, इसलिए हमारा चक्षुर्गम्य, जो जो हमारे आसपास में रहने वाले जो बहुत बड़े लोग हैं, और हमारा चरित्र पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष, चरित्र पुरुष, चक्षु पुरुष, तीन लोग हैं, इसलिए जो बहुत बहुत हजार लाखों साल के पहले रहते थे वो सब तो पुराण पुरुष, जो अभी अभी सिर्फ 200-300 साल के पहले जो जो रहते थे वो सब चरित्र पुरुष, जो हमारे सामने रहते हैं वो तो चक्षु पुरुष, वो तीनों तो मान्य है, इसलिए यदि वो चक्षु पुरुष हो गो, नहीं तो एक चरित्र पुरुष हो, नहीं तो एक पुराण पुरुष हो, एक मान्य को स्मरण करना। और निर्विकल्प ध्यान तो शून्य ध्यान बोलते हैं, कुछ भी चिंतन नहीं करना, ऐसा ही बैठो, ऐसा बहुत लोग नहीं कर सकते, इसलिए शून्य ध्यान हमारे लिए नहीं है, इसलिए ये पांच प्रकार का ध्यान है। और इसमें तो चतुरंग उपाय बोलते हैं, चतुरंग उपाय मैंने एक आदमी, नहीं तो एक व्यक्ति का दर्शन, नहीं तो उनका स्मरण करने के समय बहुत कुछ दर्शन करना चाहिए, वो तो समंत्र या अमंत्र, शास्त्र में ये प्रश्न आया था, यदि ऐसा ध्यान करने के समय में समंत्र करना है, अमंत्र करना है, कर सकते हैं समंत्र मंत्र कर सकते हैं है? तुम पैदल में जाते हो, वो तो तेरा स्वयत्न है, पैदल में जाते हो वो तो तेरा स्वयत्न है, और एक घोड़ा की गाड़ी में चलते हो वो तो शास्त्र का अभ्यास से प्रयत्न है, पहले तो अकेला